किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह, आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान बढ़ाए जाने के बाद उर्वरक कंपनियों ने नया माल डीएपी का उतार दिया है। किसी कंपनी ने डीएपी के बोरे पर नई दर में कोई वृद्धि नहीं की है। लगभग सभी कंपनियों ने डीएपी की दर में समानता रखी है। 50 किलो डीएपी की कीमत 1200 से लेकर 1300 रुपये रखा है। वहीं नीम लेपित यूरिया की कीमत में भी कोई अंतर नहीं आया है। यूरिया 45 किलो के पैक में 266 से लेकर 270 रुपये में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में फास्फेटिक उर्वरकों की कीमत बढ़ने के बाद उर्वरक बनाने वाली कंपनियों ने कीमत बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान थे। किसानों के परेशानी को समझते हुए केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर दिए जा रहे अनुदान को बढ़ाकर कीमत को स्थिर रखने का कार्य किया है। नई दर के अनुसार इफको पहले के ही तरह 1200 रुपये में एक बोरी डीएपी दे रहा है। इफको ने एनपीके 20-20-13 की दर में भी कोई वृद्धि नहीं किया है, यानी एनपीके 20-20-13 भी पहले की तरह 975 रुपये बोरी ही मिलेगी। एनपीके 10-26-26 की दर पहले की तरह 1175 रुपये रहेगी और एनपीके 12-32-16 की भी कीमत पहले की तरह ही 1185 रुपये रहेगी। बहुत से किसानों के कमेंट आ रहे थे कि डीएपी का ही केवल कीमत घटी है या अन्य उर्वरकों का भी। तो किसान भाइयों, किसी भी उर्वरक की कीमत नहीं बढ़ी है। सभी उर्वरक डीएपी, एनपीके, यूरिया आदि पुरानी दर पर ही मिलेगी। इसलिए किसी भी तरह के अनावश्यक अफवाह पर ध्यान देकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी उर्वरक पुराने दर पर ही मिलेगी। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।